प्रधानमंत्री आवास में पकड़ा गया शराब का जखीरा। मुखबिर की सूचना पर खाली पड़े आवास पर दरवाजा तोड़कर पुलिस ने की कार्यवाही। पूरे जिले में लगे लॉकडाउन के दौरान जहां सारी मदिरा दुकानें बंद की गई हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री आवास से पुलिस के द्वारा शराब का जखीरा बरामद किया गया है। मुखबिर की सूचना पर जब लालपा तालाब में बने पीएम आवास का दरवाजा तोड़ा गया तो वहां शराब का जखीरा बरामद किया गया। पुलिस की सतर्कता के बाद भी दुकान बंद होने के बावजूद पीएम आवास में शराब का मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। आपको बता दें कि जिस स्थान पर पुलिस के द्वारा यह कार्यवाही की गई है उसके आसपास कॉलोनी भी स्थापित है। सूचना मिलते ही अमहिया थाना प्रभारी शिव अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की है, जहां पीएम आवास के अंदर रखे शराब के जखीरे को अपने कब्जे में लिया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा अब इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है कि जिस आवास में शराब का जखीरा बरामद किया गया है वह किसके नाम आवंटित है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने पीएम आवास के अंदर दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया है, जहां से लगभग 30 से 35 शराब की पेटी बरामद की गई है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। सर, चिरौला मंदिर के पास आज देखी मदिरा पकड़ी गई है, कितनी प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ फ्लैट्स जो है अभी खाली पड़े हुए हैं काफी दिनों से, और मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि वहां पर कुछ शराब जो है डंप करके रखी गई है, तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को मुखबिरी से सूचना प्राप्त हुई थी, उसी की तस्दीक हेतु हम लोग गए थे टीम बनाकर, और टीम में हमने लगभग 30 से 40 के आसपास पेटियां जो है अभी गिनती की जा रही है और अपने कब्जे में ली हैं। आरोपी मौके पर हमें नहीं मिले हैं, विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उससे आपको अवगत करा दिया।